ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर आज से शुरू हो रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दो में आज पहला सवाल, कौन दिशा में लेके चल रहे बटोहिया किस फिल्म का गीत है? ए हम आपके हैं कौन, बी घर द्वार, सी साजन का घर या डी नदिया के पार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। रक्षाबंधन पर जीएस बेस्ट फोटो कंपटीशन आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भेजकर फोटो पाएंगे एक आकर्षक उपहार। भाई बहनों का सबसे पावन त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर पाठकों के लिए जीएस न्यूज लाया है बेस्ट फोटो कंपटीशन। जी हाँ, रक्षाबंधन 2020 के अवसर पर एक फोटो या सेल्फी भेजकर आकर्षक उपहार प्राप्त कर सकते हैं। बताते चलें कि प्रतियोगिता निःशुल्क होगा और बिना किसी चार्ज के सिर्फ जीएस न्यूज के पाठकों के लिए होगा। इसके लिए अपना एक फोटो या सेल्फी जो अपने भाई या बहन के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए या साथ में हो, नाम पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9708944194। वहीं फोटो भेजने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का है और यह प्रतियोगिता सिर्फ जीएस न्यूज के पाठक के लिए ही है। भागलपुर वीसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर अधिकारी ने दी बधाई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति व टीएमबीयू के प्रभारी वीसी प्रोफेसर अजय कुमार सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाने पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। भागलपुर मां विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति की बैठक आयोजित। भागलपुर में श्री श्री 108 मां विषहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति भागलपुर की आम सभा समिति के केंद्रीय कार्यालय लालूचक स्थित मनसा विवाह भवन प्रशाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित की गई। उक्त बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल ने की। उक्त बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य के अलावे सभी स्थानीय समिति के अध्यक्ष ने भाग लिया। वहीं उक्त बैठक में सभी स्थानीय समिति से बारी बारी से इस वर्ष प्रतिमा बिठाने को लेकर सुझाव मांगा गया। किस चीज का बैठक की आपने? आज विषहरी पूजा केंद्रीय समिति भागलपुर की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का जो महान पर्व लोक आस्था का पर्व बिहला विषहरी पूजा है, जो 16 जुलाई से बारी पूजा के साथ आरंभ हो चुकी है। 17 अगस्त 18 अगस्त 19 अगस्त को यह मुख्य कार्यक्रम, मुख्य पूजा, भगत विसर्जन, बाला बिहला की बारात, शादी विवाह, सरप्रदर्श होना। कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने ये आज बैठक बुलाई है कि किस स्वरूप में पूजा हो, भीड़ ना लगे और ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग किस स्वरूप में पूजा करें। तो मूर्ति बैठेगी क्या? मूर्ति बैठने पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जो सरकार का गाइडलाइन होगा मूर्ति पर इसमें कौन कौन नहीं। कदवा में बाढ़ के पानी से टूटा ग्रामीण सड़क, चार गांव का 4 लेन सड़क से आवागमन बाधित। कदवा दियारा पंचायत के भरोसा सिंह टोला के शिव मंदिर के समीप पीसीसी सड़क के नीचे से मिट्टी काट कर निकल रहे बाढ़ के पानी से सड़क की बची हुई ऊपरी पपड़ी भी रविवार को ध्वस्त हो गया, जिससे कदवा के भरोसा सिंह टोला, ठाकुर जी कचहरी टोला, पकड़ा टोला व कासिमपुर गाँव के लोगों का अब इस सड़क होकर 4 लेन सड़क से आवागमन बाधित हो गया। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 104 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 104 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाया गया, जिससे कुल 5200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इस अभियान में 4 वाहनों से 4000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने कदवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा।
भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने रविवार को कदवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां के बाढ़ पीड़ितों से मिले। कदवा दियारा पंचायत के भरोसा सिंह टोला, कार्तिक नगर, खैरपुर कदवा पंचायत के महादली टोला, बेलसंडी व मालीग्राम मुसारी टोला जाकर वहाँ के बाढ़ पीड़ित से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। कोरोना से मुक्ति के लिए किया गया शांति पूजन। वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए राजद के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने स्वपत्नी सहित शांति पूजन किया। पूजन पंडित विशंबर झा के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण सहित सत्यनारायण व्रत कथा, हवन एवं श्रोतम पाठ आदि कर वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति दिलाने एवं विश्व कल्याणार्थ हेतु सुख शांति की कामना की गयी। छर्रा पट्टी में हनुमान मंदिर में स्थापित की गई प्रतिमा हुई प्राण प्रतिष्ठा पूजा। नौगछिया प्रखंड के जगतपुर पंचायत के छर्रापट्टी गांव में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में रविवार को प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। मंदिर का निर्माण पंचायत के मुखिया सोनी भारती एवं समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव के द्वारा किया गया। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, लंबे समय के बाद जमकर हुई खरीदारी। 1 अगस्त से लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद नौगछिया बाजार में काफी तेजी देखी जा रही है। रविवार को रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। मिठाई, कपड़े, फास्ट फूड, जंक फूड, राशन, सब्जियां, राखियों के बाजार में काफी तेजी देखी गई। लोगों ने जमकर सामानों की खरीदारी की है तो दूसरी तरफ लंबे अरसे बाद दुकानदार के चेहरे भी खिले दिखे। हालांकि इन सब चीजों के बीच कोरोना से एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से गायब दिखा। देर शाम जब पुलिस संध्या गश्ती में निकली तब दुकानदार ने अपनी दुकानों के शटर गिराए। स्थानीय लोगों ने बताया कि लॉकडाउन का भी कोरोना पर असर नहीं दिखा, लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आते ही रहे। ऐसी स्थिति में दुकानदारों को रोजी रोटी से वंचित करना जायज नहीं है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना चाहिए और मास्क भी निश्चित रूप से पहनना चाहिए। रक्षाबंधन आज, जानिए रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त। भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पूरे धूमधाम से आज मनाया जाएगा। वहीं नौगछिया के पंडित वैदिक ललित झा शास्त्री ने बताया कि 2 अगस्त को ही रात्रि 9:28 पर पूर्णिमा काल प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णिमा काल 3 अगस्त को रात्रि 9:28 पर समाप्त होगा, लेकिन 2 अगस्त को पूर्णिमा भाद्र काल में ही प्रारंभ है। 3 अगस्त को सुबह 9:28 पर भाद्र काल की समाप्ति होगी, अतः राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 3 अगस्त की सुबह 9:29 से रात्रि 9:17 तक माना गया है। नवगछिया में 20 लोगों की हुई कोरोना जांच, 5 लोगों ने कोरोना को हराया। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में रविवार को 20 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि रविवार को हुए जांच में एक भी पॉजिटिव नहीं आए हैं। वहीं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के कोविड-19 सेंटर में भर्ती एक मरीज की स्थिति गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि कोविड-19 सेंटर से 5 मरीज जिन्होंने कोरोना को हराया है उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सभी लोगों को 15 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया के खरीक में 4 लोग कोरोना से संक्रमित। खरीक प्रखंड के तेलगी गांव में 3 और जमुनिया में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। जानकारी देते हुए खरीक पीएससी के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि चारों को अस्पताल भेजने या फिर बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रंगरा में 1 कोरोना पॉजिटिव। रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव में 1 कुरियर बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पीएससी के प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि चारों को अस्पताल भेजने या फिर बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। मोहम्मद इस्तिखार आलम, प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू रंगरा चौक की ओर से ईद उल अजहा मुबारकबाद एवं रक्षा बंधन की शुभकामनाएं। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488568 9234623333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, Polytechnic, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8285-9569-05।
88 73 97 36 80। नवगछिया एसपी ने लिया पुलिस जिला नवगछिया के सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने एसडीपीओ प्रवीण भारती के साथ नवगछिया पुलिस जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसमें खगड़िया सीमावर्ती क्षेत्र के भवानीपुर ओपी अंतर्गत सतीश नगर एवं सहायक रंगरा थाना क्षेत्र के कटिहार जिला अंतर्गत कुर्सेला थाना क्षेत्र के नजदीक का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी से भी बात कर NH 31 पर वाहनों के आने जाने सहित यातायात व्यवस्था का विशेष रूप से जानकारी ली। मौके पर SDPO प्रवीण भारती एवं थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश भी दिए। खेल खेल में बच्चों ने बनाया खूबसूरत रंगोली, घर के अभिभावक ने किया पुरस्कृत। नवगछिया के सत्संग भवन रोड के भारत गैस ऑफिस के समीप के मोहल्ले में उस समय घर में काम कर रही गृहिणी को आश्चर्य लगा जब बच्चे उनके कमरे में पहुंचे और कहा कि मम्मी चलो चलकर देखो हम लोगों का रंगोली। घरेलू महिलाएं भी काफी आश्चर्यचकित हुई कि अचानक क्या हुआ जो बच्चे जिद कर रहे हैं। पता चला कि अपने घर के गेट पर बच्चों ने खूबसूरत रंगोली बनाई। वहीं मोहल्ले के कुछ महिलाएं संख्या में 3 से 4 उपस्थित हुई व रंगोली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा काफी खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी। मौके पर एक गृहिणी ने बताया कि बच्चे काफी समय से बोर हो गए थे, जिसके कारण घर के बाहर ही घर के गेट के पास खूबसूरत रंगोली बनाई। मौके पर श्रीधर कुमार द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। यह कौन बनाया है? हम बनाए। क्या बना है बाबू? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है बाबू? ये आप बनाए हैं? अरे वाह। मेरा नाम मुस्कान कुमार, मुस्कान भारती है। मुझे रंगोली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बनाया। क्या बनाई है? रंगोली। मेरा नाम निक्की कुमारी है। मुझको तितली बहुत पसंद है, इसलिए तितली बनाई। मेरा नाम निक्की कुमारी है। आज है ना अंकल बनवाए। मेरा नाम संध्या है और हम लोग को रंगोली बनाने बोला गया था। आज हम लोग रंगोली बनाया और बहुत अच्छा बनाया। मेरा नाम साक्षी है। हम लोग पहले से प्रैक्टिस नहीं किए थे, फिर भी हम लोग बहुत अच्छा बनाए और हम ताजमहल बनाए हैं। मेरा नाम छाया भारती है और मैं इसी जगह रहती हूँ। मैं शाम के समय जब इधर आई घूमने तो देख रही हूँ कि बच्चे प्रोत्साहित होकर रंगोलियाँ बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पसंद आया। बच्चों ने रंगोली बनाई है तो लग रहा है हम देखे आए, रंगोली देखे बच्चा सब बनाया है और हम तो देख के बहुत खुशी हुआ कि बच्चा अपने मन से इस लॉकडाउन में बहुत अच्छा रंगोली बनाया है, देख के बहुत खुशी हुआ। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA BCOM BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228 95 69 05 88 73 97 36 80। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488856988 9234623333।